गुलबर्गी के फेयर पे शॉप बोले तो न्याय बलि अंगड़ी के जिला के ओर से मैं बात कर रहा हूँ। गुलबर्गी में 983 डीलर्स हैं हम प्रेफरेंस शॉप्स के, और कोविड में चालू होके 8 महीने हो गया, उतना माहौल में भी हम हर एक पब्लिक को, कुछ कार्ड वालों को कोई तकलीफ बिना हमने पूरे माल डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। उसके साथ साथ कोविड का उसमें माहौल में भी कोरोना के कोविड का लॉकडाउन के माहौल में भी हमारे घर के परिवार का हमारा बिना सोचे हमने गरीबों को और सलम एरियाओं में हर एक को सील डाउन रहे तो वहाँ उनके घर तक हमारे कार्ड होल्डर्स को माल पहुँचा है। हमारे पास जिला अडाड़ी की तरफ से होंगे या हमारे फूड ग्रेन इलाके आरा इलाके से तरफ से होंगे, कोई मदद कोई सहकार नहीं मिला। और कैसा डॉक्टर्स कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज कैसा वॉरियर्स बोलते, हम भी वॉरियर्स, हर महीना 2,000, 3,000, 4,000 वो भी सलम एरिया में उनके साथ तालुकात में आते हम आमने सामने, उतना तालुकात रहे तो भी हमारा जान का कुछ बिना सोचे हुए हमने काम किया है। मगर सरकार के तरफ से हमारा कमीशन के हो 6-7 महीने से हमारे कमीशन और ऑनलाइन और तरफ सब तरफ थम बंद किए हैं, महल में हो थिएटर में हो ऑफिशियली में हो ऑफिस भी थम लेना बंद कर दिए, मगर रेशन दुकानें में ऑनलाइन के ऊपर विदाउट थम नहीं दे सकते। और एक सहूलत की है ओटीपी अनएजुकेटेड रहते हैं उनका मोबाइल लेके हम ही मारना पड़ता, उनके साथ संपर्क में आते हैं, हम डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। उसके लिए हमारे आलन तालुके के दो और दूसरे तालुके में एक, ऐसा 3 लोग हमारे डीलर्स कोविड पॉजिटिव के से मृत्यु हो गए। हम चिंचोली वाले हैं, अम्मा साबना तोड़ी उनको बहुत गवर्नमेंट से साल हो गए, कम से कम सौकर के पास 10 लाख गवर्नमेंट के पास 5 लाख दे के डॉक्टर के पास जाके बोल के हाँ चिंचल में मर गए सब। हमको कुछ ये बोले सबको लेट को बोले सबको कौन को घर का कि नहीं पूछे, अभी बोल रहे मैं अभी तक उसको क्या है क्या नहीं कुछ नहीं बोल रहे सब। हमको क्या मतलब उनको माफ़ करना, हम कोलैंग का है हमारे टिप्पण कम कुन है चुन चुन सुन बाबरव है सब सगवत है, मगर किसी भी हमारे पास आके नहीं पूछे, इसमें हम बहुत ये कर रहे बहुत बहुत तकलीफ हो रहे सब हमको। हम भीमशा तादापुर तालुका चिंचोली खुदा हाफिस। गुलबर्गा प्रेसिडेंट होते हुए मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास हम 983 लोग रेशन दुकान वाले हैं, और हमारे पास जो कोविड-19 की वजह से 3 लोग आड़न के गुजर गए हैं, और उन 3 लोगों को कुछ तो को सरकार से परिहार अभी तक नहीं मिल रहा, यानी कि गुजर जाने के बाद 8 दिन भी हो गए, आकर कोई सरकार से होने दो या डिपार्टमेंट से होने दो, कोई भी आकर आज तक ऑफिसर्स कोई मिला नहीं और उनको कोई सांत्वन देने के लिए तैयार भी नहीं है। नहीं तो नहीं परवाह नहीं, लेकिन हम जो ये कोविड-19 में जो काम कर रहे हैं जैसे कि 6 महीने से वह हम काम कर रहे हैं लगातार, हम लोगों के संपर्क में आते हुए भी इतना सब काम करने के बावजूद भी सरकार हमें इसके बारे में ये क्या है ये लोग करते हैं बोलकर इतना ही बोल रहे हैं, लेकिन हम भी जैसे कि डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे कि कॉरपोरेशन वाले काम कर रहे हैं हम भी उनसे भी अच्छा हमारा भी काम है, यानी कि हमारे पास क्या है हर एक दुकान को 1,000 से लोग आते हैं उनके साथ में हमारा संपर्क होता है, वो संपर्क होने के बावजूद भी हमें सरकार से कुछ भी नहीं मिलता, हम खुद सैनिटाइजर लेकर आते हैं और खुद हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करने लगाते हैं, कोई सरकार से हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, कोई हमें पुलिस की सहूलत नहीं मिलती। हम लोगों से क्या है हम क्या है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप डिस्टेंस मेंटेन करो, लोग हमारी बात सुनते हैं बोलकर हम लोग अच्छे हैं, नहीं तो हम लोगों को भी क्या है कोविड होकर आज हमारे पास भी 983 लोग हम भी गुजर जाने की हालत ऐसी थी, फिर भी हम लोगों का सपोर्ट है, लोगों के साथ में हमारे संपर्क अच्छे हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं बोलकर आज डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग माल भी बांटे हुए हैं, और हमारे पास जो 3 लोग गुजर गए हैं उनके वास्ते सरकार क्या है कुछ तो कुछ